चलिए बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट इज एरडो के चैप्टर नंबर वन का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर बढ़िया सवाल है प्रोजेक्टाइल मोशन का या फिर टू डायमेंशनल का अच्छा सवाल सुनिएगा रेडियस वेक्टर अब बड़ा मेरे ख्याल से हम तो इस बात से तो कन्विंस हो चुके हैं ना कि रेडियस वेक्टर किसको बोलते हैं पोजिशन वैक्टर को बोलते हैं ठीक है रेडियस वैक्टर हमें गिवन uh, है आर वैक्टर ठीक है बेटा एटी आई कैप माइनस बी टी बेटा कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आई कैप और जे कैप जो है वो X और यूनिट हैं सबसे पहला सवाल पूछा द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स ट्रेजेक्टरी हमसे पूछा है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए बेटा बिल्कुल बताएंगे इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्टरी सुनना सुनना बेटा पोजिशन वैक्टर के अंदर अगर आप एक्स एक्सिस देखो तो इट इज सिंपली गिवन एज ए टी टाइम के साथ एक्स तरह से वेरी कर रही है कर रही है वाई एक्सिस जो है इट इज वेरिंग लाइक वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी टी स्क्वायर तो ये एक तरह से क्वाड्रेटिकली वेरी कर रही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का अर्थ यह है कि जिन जिन पॉइंट से आपका ये पार्टिकल गुजर रहा है उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के जो एक्स और वाई जो वैल्यूज हैं उनके बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है तो अगर पार्टिकल ऐसे अगर जा रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पर लेट्स से पार्टिकल ये एक्स है और ये वाई है और ये एक्स को वाई से गुजर रहा है एक्स और वाई के बीच का जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसको हम इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री कहेंगे एक्स और वाई के बीच मैथमेटिकल रिलेशन तो बहुत ही आसान है बेटा t को एलिमिनेट कर दो मैथमेटिकल रिलेशन आ जाएगा मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू माइनस बी टी स्क्वायर टी स्क्वायर को बड़ा बड़े आराम से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये लीजिए आ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टरी मुझे इसका फंक्शन प्लॉट भी करना कर देंगे y पर पावर वन है x पर पावर टू है इट्स मीन क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका ग्राफ में बनाना आता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसलिए पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा तो अगर किसी ने हमसे y वर्सेस x का अगर कर्व पूछा तो आप कह सकते हो कि अगर ये y है और ये x है तो कर्व विल बी लाइक दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस उसमें से हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपका टाइम की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो आपका x कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा तो जो x की वैल्यू नेगेटिव वाला हिस्सा इस है इसको मिटा देना सिर्फ और सिर्फ इतना सा आपका आंसर हो जाएगा एंड इट इज ए पैराबुलम माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स फिर एनअ दूसरा ऑप्शन द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द दसिटी वैक्टर बड़ा यह वैक्टर है क्योंकि ये बोल्ड में लिखा हुआ है एंड एक्सेलरेशन वैक्टर एज वेल एज द ऑफ मोडलशन बताया तो वेलॉसिटी बताना और एक्सेलरेशन बताना हमारे लिए तो आसान सा काम है पोजिशन वैक्टर इज गिवन एज ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप अगर किसी ने हमसे वेलोसिटी पूछी बेटा डिफरेंशिएशन दैट इज डी आर बाई डी टी करना बड़ा डिफरेंशिएशन ए आई कैप माइनस टू बी टी जे क्या दिस इज वेलोसिटी। हमें मैग्नेट्यूड भी पूछा बेटा का जो मैग्निट्यूड स्पीड इट विल बी अंडर स्क्वायर स्क्वायर तो दैट कम्स ए स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स बी स्क्वायर टी स्क्वायर हमसे एक्सेलरेशन भी पूछा है बेटा एक्सलरेशन so को मैं डब्ल्यू एक्टर लिख रहा हूं बेटा करना डिफ्रेंशियट ए तो कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशियन दो तो जीरो माइनस टू बी ठीक है t का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में वन तो मेरे पास एक्सलरेशन आ गया माइनस टू बी जे के आपका एक्सलरेशन आ गया है एक्सलरेशन की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो एज यू कैन सी दैट कि एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड तो टू बी ही है ठीक है आगे चलते बेटा द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सलरेशन वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है एंगल निकालने वाली बात जब भी दिमाग में आए But हमेशा यही वाला फॉर्मूला मेरे को सबसे बेस्ट लगता है कि कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एनी टू वैक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द वैक्टर्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर्स बस इतना सा काम है तो आप लिख सकते हो कि कॉस इज इक्वल्स टू वी डॉट डब्ल्यू बेटा डॉट डब्ल्यू करना तो आसान सा काम है I cap का 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 के 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 साथ J cap का J cap के साथ 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 तो हो गया 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 मेरे मेरे पास आ गया, four times B square T. Dot मेरे पास आ आ ये ट्यूड बेटा मैग्नीट्यूड इज अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ टू बी बेटा वो टू बी टू भी ऊपर से कैंसिल आ जाएगा और मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जाएगी बेटा क्या की uh, 2 by 2 by cancel, square. Square. अल्फा की वैल्यू वैल्यू कैंसिल ऊपर अपॉन ये हमारे पास आ गई अल्फा कैसे कॉस इन वर्स ऑफ दिस ये हमारा आंसर आगे चलते बेटा द मेन वेलॉसिटी वैक्टर एवरेज ओवर टाइम टी सेकेंड्स ऑफ द मोशन एंड द मोडल ऑफ दिस वैक्टर ठीक है बेटा ये तो ऐसे फर्जी सा सवाल है हमसे पूछा है कि एवरेज वेलॉसिटी बताइए एवरेज वेलॉसिटी इज ऑलवेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट है हमें पता है दैट इज ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप डिवाइड बाई टी बेटा टी से डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आ गया दैट इज ए आई कैप माइनस बी टी जे मुझसे पूछा है कि इस एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बताइए जी हां बिल्कुल बताएंगे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर दैट कम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र बी स्क्वायर ठीक है बच्चों हमने मेरे ख्याल से सारे के सारे काम कर लिए हाँ बिल्कुल सारे काम हो चुके हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इस तरह के सवाल बेटा आप मेरे ख्याल से कर लोगे जब भी आपसे पूछेंगे आगे चलते